बस उसमें उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो वो ये गाड़ी वाले, ओके सर ओके थैंक यू, ये वो गाड़ी वाले हैं, तो इन्होंने मेरी हेल्प भी करी और जा रहे हैं बेंगलोर। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो सुबह के 7 बज चुके हैं, फ्रेश होने के लिए चला मैं, और ये वो पेट्रोल पंप है, ऐसा कुछ लगा, साइकिल अपनी उधर साइड में लगी है। तो चलें जी, फ्रेश होके निकलें फिर आगे सफ़र के लिए। 8 बज गया, पैकिंग हो गई, तैयारी हो गई, निकले अब आगे की तरफ। और ब्रेकफास्ट किया नहीं क्योंकि रात को बनाया नहीं था, तो आगे जाके करेंगे ब्रेकफास्ट, खाते हैं इडली वगैरह, कल खाया टेस्ट लगा, आज खा के देखता हूँ कैसा लगता है। इडली और थोड़ा परौंठे वगैरह मिल जाएगा तो, या पूड़ी वगैरह मिलता है यहाँ पर। ठीक है भैया जी, अब भैया तो सुन नहीं रहा है, ठीक है फिर, बहुत बहुत शुक्रिया, जाते हैं बेंगलोर। ठीक है, ओ तेल गिर गया भाई, मेरे को देखने के चक्कर में तेल गिरा दिया उसने। वही थोड़ा आगे आ चुका हूँ, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे, तो वो यहाँ देखते हैं नाश्ते में क्या मिल रहा है। नाश्ते में क्या है? इडली वड़ा, डोसा। डोसा, इडली का क्या रेट? इडली 30 रुपए। 30 रुपए दिया तो 40 रुपए। कितने पीस होता है इडली का? ठीक है दे दो, बड़े के साथ दे दो। तो ये है जी इडली, बन रही गरम गरम फ्रेश, तो बड़ा डाल के एक पीस होगा शायद, तो 40 रुपए का नाश्ता मिल रहा है। राइस वाइस नहीं बनाते? राइस अभी लेट जी। लेट लेट अभी आया लेबर। अच्छा लेबर अभी आया, आप मालिक? तो यहाँ सब्जी वब्जी भी बेचा जाता है भाई, यहाँ मेरे ख्याल में वो है। तो जी ये हो गई अपनी प्लेट रेडी, साउथ इंडियन प्लेट इडली बड़ा। तो जी ये हो गया अपना शुरू, अब यहाँ का साउथ इंडियन डिश। तो दादा चलो जी, आपके कहने पे खा रहा हूँ इडली, अब मैं खाता हूँ ऐसे। दादा बोल रहे थे ऐसे खाना, ऐसे पूरा ऐसे करके, ऐसे बोल रहे थे यार, ऐसे कैसे खाना है, ऐसे मज़ा नहीं आया। अब भैया साउथ में आया तो साउथ वाला खाना तो खाना ही पड़ेगा, 40 रुपए का 3 इडली 2 बड़े, ये सही है। नारियल की चटनी में पता नहीं क्या क्या डाला, कड़ी पत्ता और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। ठीक है, हमारे वहाँ छोले भटूरे पूड़ी वगैरह करते हैं लोग, यहाँ इडली ऐसे। ठीक है भैया, इसको ऐसे डालो, ऐसे खाओ, अमेजिंग। तो जी नाश्ता वाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट, अब निकले कंटिन्यू, 1-1.5 घंटे तक चलाते रहना, रुकना नहीं है, सीधा ये हाईवे जा रहा है इधर आगे बेंगलोर, ये पीछे चला गया होस्पेट हम्पी। तो वीडियो भी अपलोड करना है 8:30 हो गए, क्योंकि आजकल मैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से 8:30 बजे अपलोड करता हूँ, 8:34 पे, क्योंकि ये मेरा लक्की टाइम है, मतलब कहते हैं लोग, इसलिए वीडियो अपलोड करते हैं और चलते हैं फिर आगे। तो भाई काफ़ी दूर आ गया, तकरीबन 1.5 घंटा साइकिल चलाने के बाद, तो एक जंगल जैसा है यहाँ पे रोड के साथ में, तो वैन है यहाँ पे, कुछ खाना वाना बन रहा है, चाय वाय बन रही है। तो एक ब्रदर मिले मुझे बाइकर, वो अपना हुबली से बेंगलोर जाते हुए मैसूर वगैरह होते हुए फिर अपना उधर जाएंगे, वापस आएंगे हुबली। तो ये बाइक वाले हैं, होंडा CBR करके कुछ है, ये मारुति वैन में मिलता है, यहाँ पर खाना वाना ऐसा सिस्टम है, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। वही होगा अपना इडली विडली होगा ना, ये फ्रेश बन रहा है यहाँ पर, मिर्ची के पकोड़े, और काफ़ी लोग बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं खा रहे हैं।
ये है ब्रदर। क्या खाएंगे भाई? आप क्या खाएंगे? इडली में और वो चित्रा बोलते हैं ना पुलाव, कलर ड्रेस, लेमन ड्रेस। दिखाना दिखाना। अच्छा ये वाला लेमन राइस। हाँ लेमन राइस ले लो, क्योंकि मैंने इडली पीछे खाया था वहाँ पे। तो भैया खा रहे हैं इडली, तो मैं खा रहा हूँ लेमन राइस, क्योंकि इडली अभी थोड़ी देर पहले खाया ही था, इसलिए ज़्यादा खाने का नहीं। बाकी लोकेशन देखो यार, कितना ज़बरदस्त है भाई, यहाँ पर बहुत मस्त लोकेशन है यार। तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जी ये ले लिया मैंने, हाँ अपना लेमन राइस, और भैया जी ने ले लिया इडली। भैया नाम क्या आपका? चेतन। चेतन, तो ये भैया जी है हुबली से, है ना? तो ये भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और वैसे ये कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। तो अभी वैसे कहाँ कहाँ घूम चुके हो अभी बाइक में आप? अभी ऑलमोस्ट पूरा कर्नाटका घूम चुके हैं। कर्नाटका पूरा घूम लिया? स्टेट्स नहीं, डिस्ट्रिक्ट। हाँ ठीक है ठीक है। तो का मतलब हाँ, मतलब वो थोड़ा फ्लो में निकल गया आपके। चलो सही है सही है, अच्छा लगा भैया मिलके। खाना पीना हो गया, नाश्ता भैया की तरफ से, थैंक यू ब्रदर। चले फिर भैया जाने, भैया तो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे, मुझे तो लगेगा 2 दिन। तो पेमेंट कर दिए भैया ने, ठीक है भैया मिलेंगे फिर। ओके, हाँ जी हाँ जी, ओके भाई। ये देखो हाईवे और जंगल, सुनसान जंगल वाला रास्ता, ये दूर दूर तक कोई गांव, घर, बाजार, मार्केट नहीं दिख रही भाई। अब 9 किलोमीटर दूर पे एक टाउन आएगा शायद, बाजार छोटा, कटिंग, कटिंग की कटिंग करके ऐसे कुछ जगह का नाम है। तो हाईवे एकदम ज़बरदस्त है, चारों तरफ जंगल, पत्थरों वाले पहाड़, मस्त भाई। तकरीबन 1-1.5 बज चुके हैं, चल रहा हूँ हाईवे में यार, रुका नहीं हूँ। अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लग गई है, और फिर यहाँ पे विंड मिल आ गए भाई, विंड मिल चली जा रही है। और पीछे अभी एक गाड़ी वाले आएंगे, तो यार वो लोग काफ़ी अच्छी फैमिली थी, फ़ोटो वोटो लिए, कुछ पैसों से भी उन्होंने मेरी हेल्प करी। तो वो ये गाड़ी वाले, ओके सर ओके थैंक यू, ये वो गाड़ी वाले हैं, तो इन्होंने मेरी हेल्प भी करी, और जा रहे हैं बेंगलोर है, जा रहे हैं अभी, मैं भी बेंगलोर ही जा रहा हूँ। तो भाई मज़ा आ गया लाइफ का भाई, कर्नाटक में बहुत हेल्प मिल रही भाई, ज़बरदस्त। तो अभी यहाँ से चित्रदुर्ग है 71 किलोमीटर, और बेंगलोर है मे बी 230-240 किलोमीटर, देखते कितना टाइम लगेगा। बाकी तो देखो यार, वेदर, मौसम, लोकेशन, वाओ। तो जी टाइम हो गया 1:30 खाने का, आया हूँ एग राइस खाने के लिए, भूख लग रही है। ये भाई की दुकान है, क्या खा रहा है भाई? नमस्कार जी भाई। नमस्कार, क्या खाते हो? राइस और सब्जी दाल। तो ये कुछ ऐसा ढाबा है भैया, दुकान है, तो वहाँ पे बनेगा अपना खाना, ब्राइटिंग थोड़ी कम होगी, तो मैनेज कर लेना। हाँ जी, हमारा यूट्यूब चैनल है। नाम क्या है तुम्हारा? गणेश। पूरा नाम? गणेश गोड़ा। तो जी ये आ गया अपना एग राइस, और अब चम्मच है नहीं बोल रहे हैं, अब यहाँ हाथ से खाना पड़ेगा भाई, चम्मच तो नहीं है, गरम गरम बहुत है। नींबू दे दो ना, नींबू थोड़ा। तो जो नींबू निचोड़ लिया प्याज में, और इसमें खाने का मस्त मजा आ जाएगा भाई, वाह। तो जी फुल मस्त एक एग राइस खा लिया, पेट भर गया, और धूप कितनी तेज़ लगी हुई है, अब थोड़ा आगे जाकर रेस्ट करेंगे। तो चलें जी, विंड मिल चल रही है यहाँ पर, लेट जाओ भाई मज़े से। तो जी निकल गया हूँ वहाँ से रेस्ट वेस्ट करके, 2 घंटे हो चुके हैं,
बीच में जंगल झाड़ था इसलिए कोई शूट नहीं किया। अब फ्लाईओवर ब्रिज के पास हूँ। ये छोटा सा कोई टाउन से आया, कोई बाजार गांव है। ये फ्लाईओवर पे सनसेट अभी है, अभी काफी देर के बाद होगा, एक घंटे के बाद। ओहो चुप कर जा मैडम, वो लोकेशन सेट किया हुआ है इसलिए वो मैडम बोली जा रही है। तो देखते हैं, अभी तक 60 किलोमीटर चला लिया मैंने, अभी बड़ा बाजार आएगा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, चित्रदुर्ग करके कोई है लोकेशन, जो बड़ा टाउन है। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ये नारियल के पेड़ लगे, नारियल लगे हुए हैं। तो जी 6:30 हो गए, आज अंधेरा हो गया यार। ये हाईवे पता नहीं कैसा है, यहाँ पेट्रोल पम्प मिला ही नहीं। तो देखते हैं आप कितनी दूर पर जाके मिलेगा, तो फिर आपको बताते हैं। और अंधेरा है पूरा, रुकना हो गया। ये पीछे ढाबा है, ढाबा के साथ में थोड़ा सा जगह था, गन्ने का जो होता है जूस निकाल के जो बचा होता है वो फेंका हुआ है साइड में, कचरा है। तो वो मक्की का, सॉरी, तो यहीं पे लगा लूँगा टेंट वेंट। हाँ यहीं पे टेंट लगा लूँगा और खाना वाना पकाऊँगा। इसके पीछे ही पेट्रोल पम्प था, उनसे पूछा, उसने रुकने नहीं दिया। तो अब यहाँ पर रुकते हैं, करें टेंट सेटअप, उसके बाद फिर पानी वानी लेके खाना वाना बनाए हैं। वैसे नहाने का भी है, नहाएंगे भी और खाना वाना बनाएंगे फिर। चलें जी, कैंपिंग हो गया सेट, साइकिल वहाँ पे लॉक करके रख दी है, साबुन लेके जा रहे हैं नहाने धोने, और उसके बाद फिर खाना वाना बनाते हैं नहाने धोने के बाद। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर यार, पार्किंग हो रखी है, न्यू गाड़ी है। तो जी ये टंकी है पानी नहाने के लिए, देखो यहाँ पर नहा लेते हैं, उसके बाद पानी वानी होटल से लेके फिर बनाएंगे खाना। चलें जी, अपना चावल भी रख दिया, चाय भी पीते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे खाएंगे। ऐसी लाइफ भैया अपनी, थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि सब्जी जब बनाता हूँ तो आलू आलू आलू, शिमला मिर्च हो तो शिमला मिर्च, एक ही चीज़ यार। मेरे को ज़्यादा ना चीज़ें खरीदने पसंद नहीं है, और साथ में इतना मतलब मन नहीं करता, जो मिलता है लेता हूँ, खरीदता हूँ, दो दो तीन तीन दिन वही बनाता हूँ, तो मेरे तो ऐसा है। बाकी देखते हैं, आदत चेंज करेंगे, डेली नई नया चीज़ लेंगे बनाएंगे। बट वो ये ना कि टाइम पे मिलनी भी चाहिए ना, जिस लोकेशन से गुजर रहा होता हूँ इतनी मिलती नहीं है, मिलती है तो फिर जो बनता है वही बनाता हूँ। तो जी बन गई अपनी शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो बची थी राइस, और ये है अपना मिर्ची। ठीक है जी, करें नाश्ता, चावल बने बहुत ही ज़बरदस्त वाले, नमक तो मैंने काफ़ी ज़्यादा था, कम हो गया, मिर्ची ऑलरेडी इतनी तेज़ है, मैंने और निकाल के रखी हुई है। ठीक है जी, मज़ा आ गया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।